विज्ञान प्रसारक सारिका घारू आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के बीच पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों को खगोली विज्ञान की जानकारी दी। सारिका ने कहा, गगनयान और चंद्रयान का ज्ञान जनजाति क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए काम करना होगा। हमारा लक्ष्य है कि देश की आज़ादी के 100 साल होने तक अन्य लोगों के साथ मनकू मरकाम या कलावती कलमे को अंतरिक्ष यात्री के रूप में दिखे। विज्ञान प्रसारक सारिका घारू आदिवासी क्षेत्र में अंतरिक्ष ज्ञान फैलाने अभियान चला रही हैं। भारत सरकार का नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रम कर रही है। अंतरिक्ष यात्री के सूट में सारिका ने बच्चों को इसरो के गगनयान चंद्रयान जैसे मिशन के बारे में समझाया और जानकारी दी। कार्यक्रम में गीतों और पोस्टर के माध्यम से खगोल विज्ञान के तथ्यों जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुपर मून, तारों की बौछार, अपोजिशन, ग्रहों की गति और विशेषताएं भी बताई। कार्यक्रम में बच्चों के परिजनों को भी शामिल किया गया और यह पूरा कार्यक्रम स्वैच्छिक है। सारिका ने बताया कि शहरी बच्चों को साइंस सेंटर उपलब्ध है, इसके साथ ही बाहर से आने वाले रिसोर्सेस साइंटिस्ट आमतौर पर शहरों तक ही पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में आदिवासी क्षेत्र जहां आज भी आकाश प्रदूषण से मुक्त है, वहां खगोल विज्ञान समझने और समझाने की बेहतर संभावनाएं हैं। जब आता है चंद्रमा, जब आता है चंद्रमा, धरती सूरज के बीच में, धरती सूरज के बीच में, तब चंद्रमा की छाया, तब चंद्रमा की छाया, लगाती सूर्य ग्रहण, लगाती सूर्य ग्रहण, जब आता है चंद्रमा, जब आता है चंद्रमा, धरती सूरज के बीच में, तब चंद्रमा की छाया, तब चंद्रमा की छाया, लगाती सूर्य ग्रहण, लगाती सूर्य ग्रहण, जिस भागों में पड़ती चंद्रमा की घनी छाया, जिस भागों में पड़ती चंद्रमा की घनी छाया, उस भाग में होता पूरे सूर्य ग्रहण, उस भागों में है चंद्रमा, जब आता है चंद्रमा, धरती सूरज के बीच में, धरती सूरज के बीच में, तब चंद्रमा की छाया, तब चंद्रमा की छाया, लगाती सूर्य ग्रहण, लगाती सूर्य ग्रहण, तब चंद्रमा की छाया, तब चंद्रमा की छाया, लगाती सूर्य ग्रहण, लगाती सूर्य ग्रहण। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।